वार्म वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि पिछले दो तीन दिन से मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, आपको मैं कह रहा था कि मैं जल्द ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आपके सामने प्रेजेंट होने वाला हूँ। तो आज मैं उसी मेरे प्रॉमिस के अनुसार आपके सामने बेसिक ग्रामर की क्लास लेके उपस्थित हूँ। और मैं बता दूं, इस टॉपिक पे मेरा जो बेसिक ग्रामर पूरे जो नाउन से लेकर यानी कि अंत तक लास्ट तक अपना सभी टॉपिक चलेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों का इस लंबी सफर में साथ आपका जरूर बना रहेगा। वर्तमान समय को देखें तो एक रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी टॉपिक में इनमें इंक्लूड कर रहा हूँ। सभी में ये टॉपिक आएंगे, कॉमन है। और ये जो वर्तमान में महायुद्ध चल रहा है, रीड का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, इस महायुद्ध की संग्राम की तैयारी में हम आज से लग जाते हैं। और आज आपके सामने मैं बेसिक ग्रामर का पहला वीडियो लेके आता हूँ। और मुझे पूर्ण आशा है कि इस युद्ध में अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। ग्रामर का आज का अपना जो पहला चैप्टर रहेगा वो मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से, यानी कि ग्रामर का जहां से जन्म होता है वहीं से अपन अपने स्टडी को शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी अर्थ होता है शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी अर्थ होता है शब्द भेद, यानी कि अपन इंग्लिश का कोई बेसिक एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें अलग अलग वर्ड की अलग अलग कैटेगरी होती है। उसमें कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई एडवर्ब होता है, और सभी वो मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो अपना जो ग्रामर का चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डेफिनेशन। पार्ट ऑफ स्पीच अपन कहते किसे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच अपन कहते किसे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है कि द वर्ड विच आर, डेफिनेशन में लिखा हूं, द वर्ड विच आर, द वर्ड विच आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और क्लास, और क्लास अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पूरे डेफिनेशन को ध्यान से अगर अपन समझें तो पूरा जो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्लियर हो जाता है। देखिए, द वर्ड्स यानी शब्द विच आर डिवाइडेड, जिनको विभाजित किया जाता है, इनटू डिफरेंट पार्ट्स, भिन्न भिन्न भागों में और क्लास वर्गों में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके कार्य के अनुसार, आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, उनको हम शब्द भेद कहते हैं। इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैंने ये कहा है कि शब्दों को उनके कार्य के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, उसी को हम शब्द भेद कहते हैं। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं आपके सामने, मैंने एक शब्द लिया वोटर, मान लीजिए कि मैंने एक मोटर शब्द लिया, आपसे पूछ लिया कि वोटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने एक वर्ड दिया वोटर, अब आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ ले कि वोटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कोई लोग कहेंगे कि ये नाउन है, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि किसी भी शब्द की कैटेगरी को हम ऐसे सीधे विभाजित नहीं कर सकते, उसकी कैटेगरी को उसके कार्य के अनुसार विभाजित किया जाता है। यानी कि किसी भी शब्द की अपने आप में कोई श्रेणी नहीं होती, किसी भी शब्द की अपने आप में कोई श्रेणी नहीं होती, उसकी श्रेणी किसी वाक्य में उसके कार्य के आधार पर विभाजित की जाती है। यानी कि अपने आप में कोई शब्द की कोई श्रेणी नहीं होती, उसकी श्रेणी को वाक्य में कार्य के आधार पर आधारित निर्धारित किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर, पहला वाक्य। दूसरा मैं लिया माई ब्रदर ब्रॉट वॉटर प्लांट। तीसरा मैं लेता हूं, आई डेली वॉटर द प्लांट। मैंने ये कहा था कि मैं आपसे ये पूछ लूं कि जो वॉटर है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा,
ज्यादातर लोगों का आंसर होता है कि इसका नाउन होगा बट नाउन नहीं होगा, यानी कि किसी भी शब्द की अपने आप में कोई कैटेगरी नहीं होती, उसकी कैटेगरी वो नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सेंटेंस में उसके कार्य के आधार पे उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे वाक्य देखिए, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर, में वॉटर की कैटेगरी को निर्धारित करना चाहता हूँ, इसमें भी वॉटर शब्द आया, इसमें भी वॉटर शब्द आया, इसमें भी वॉटर शब्द आया, लेकिन तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। अगर इसकी मैं पूछना चाहूंगा तो आप डेफिनेटली कहेंगे आई वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ये वॉटर शब्द है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। माई ब्रदर ब्रॉट ए वॉटर प्लांट, मेरा भाई एक जलीय पौधा लाया, जलीय पौधा यानी कि पौधे की विशेषता बता रहा है, किस प्रकार का है, विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, यानी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई डेली वॉटर द प्लांट, मैं डेली पेड़ पौधों को पानी देता हूं, यहाँ पे जो वॉटर शब्द है वो वर्ब का काम कर रहा है। यही शब्द मैंने कहा था, बार बार बोल रहा था कि किसी एकल शब्द को देखकर उसका पार्ट ऑफ स्पीच हम तय नहीं कर सकते, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या वर्ब है, या कंजंक्शन या प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। हम वाक्य में उसके कार्य को देखेंगे पहले कि किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है, और उसके आधार पर उसकी जो कैटेगरी वो तय की जाती है। तो यही मैंने डेफिनेशन में कहा था कि द वर्ड विच आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स और पार्ट्स, शब्दों को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनकी कार्य के अनुसार, और उस कार्य के अनुसार उसकी कैटेगरी तय की जाती है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। यह तो हमने डेफिनेशन को क्लियर किया। अब मैं बात करूं कि संख्या में पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो संख्या में पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या सबको पता है, 8 है। जैसे मैं लिखना चाहूंगा, पार्ट ऑफ स्पीच आर 18 नंबर, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 18 नंबर, पार्ट ऑफ स्पीच आर 18 नंबर की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो संख्या में 8 होते हैं। वो 8 में आपके सामने लिखना चाहूंगा, एक नंबर क्या आता है अपना नाउन, दो नंबर क्या आता है प्रोनाउन, तीन नंबर क्या आता है ये वर्ड, इसको एडजेक्टिव बोले या एडजेक्टिव बोले, एक चीज बता दूं मैं, देखिए एक स्पेलिंग और लेता हूं, अगर हमको किसी वर्ड के मिडल में डी और जे एक साथ मिले, जैसे तीनों सेंटेंस तीनों वर्ड मैंने लिखे हैं, इनमें डी और जे एक साथ है, तो उसमें कभी डी का उच्चारण नहीं होता, डी का उच्चारण होता है, डी साइलेंट रहता है, जैसे इसको बोलेंगे एडजेक्टिव, यानी डी का उच्चारण नहीं करना है, एडजेक्टिव। इसी तरह ये होगा एडजस्ट नॉट एडजस्ट, और इसी तरह ये होगा एडजोर्न नॉट एडजोर्न। तो ये जो तीसरा वर्ड लिखा है मैंने, इसका सही उच्चारण होता है एडजेक्टिव, यानी हमने लिखे तीन का नाम लिख लिया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और जो था आता है एडवर्ब, एडवर्ब, पांचवा आता है वर्ब, छठा आता है प्रीपोजिशन, और सातवां आता है कंजंक्शन, जिनको कनेक्टिव भी कहते हैं, कनेक्टर भी कहते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, और आठवां जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है इंटरजेक्शन। प्रारंभ में तो हमने ये देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, उसके बाद मैंने बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या है, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच की जो संख्या होती है वो 8 होती है, नंबर में 8 होते हैं, और वो 8 ये है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया प्रीपोजिशन अव्यय कंजंक्शन जोड़ने वाले शब्द इंटरजेक्शन जिसमें बोध के जो शब्द होते हैं। तो इस संख्या में 8 होते हैं, पूरी ग्रामर इन्हीं 8 पे डिपेंड करती है, यानी कि हम कोई भी एक पूरा सेंटेंस लिखें उन सेंटेंस में जो प्रत्येक वर्ड होता है अलग अलग उसका पार्ट ऑफ स्पीच इनमें से कहीं ना कहीं एक होता है। तो हम सभी का एक साथ तो अध्ययन कर नहीं सकते। सबसे पहले मैं चालू करना चाहूंगा नाउन, नाउन के बाद हम प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन इंटरजेक्शन, इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, और जैसे जैसे जिससे जो संबंधित होगा वो क्रम से मैं देता जाऊंगा।
तो पड़ोस पिच की स्पेलिंग के बाद उनकी संख्या बताने के बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ नाउन, यानी कि नाउन अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। हमारे जो रीड का और सेकंड रीड का और फर्स्ट रीड का जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इंक्लूड किया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो नाउन के बगैर तय नहीं होता। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए हमें नाउन की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम को रटना शुरू कर देते हैं, उससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर नहीं होता। सबसे पहले हमें नाउन पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सीधा सा पॉइंट पे आ जाता हूँ। नाउन, नाउन से सभी वाकिफ है। नाउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है संज्ञा। अब बात यह चलती है कि नाउन कहते हैं किसे है? तो मैं लिखता हूं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। बस क्लियर सी परिभाषा है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कि नाउन किसी का कोई नाम होता है। किसी का मतलब वो कोई व्यक्ति हो सकता है, जानवर हो सकता है, वस्तु हो सकती है, जगह का नाम हो सकता है। जैसे मैंने ये कह दिया कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन है वो किसी का नाम होता है। अब अपन बात करें नाउन की कि नाउन कितने प्रकार की होती है। तो डेफिनेशन के बाद अगर अपन अभी चले तो नाउन का देखिए मैं क्लासिफिकेशन करता हूं। यहां पे वर्ड दिया मैंने नाउन, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन का वर्गीकरण। नाउन को अपन दो कैटेगरी में ले सकते हैं, दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहले मैं लिख सकता हूं काउंटेड नाउन, सॉरी पहले मैं लिखाऊंगा आपके सामने काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। दूसरा प्रकार होता है वो होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। यानी नाउन को मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया इसका दो ग्रुपों में, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है इसको हिंदी में कहते हैं गणनीय संख्या, और अनकाउंटेबल है वो जाएगा अगणनीय संख्या। अगर इन दोनों वर्डों को थोड़ा और क्लियर करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं नाउन विच कैन बी काउंटेड, इसके लिख सकता हूं विच कांट बी काउंटेड, यानी कि वे संज्ञाएं जिनकी गणना की जा सकती है, जिनकी गिनती की जा सकती है वो काउंटेबल नाउन होगी, और वो संज्ञाएं जिनकी गणना नहीं की जा सकती वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगी। अगर एग्जांपल के द्वारा मैं देना चाहूं, जैसे मैंने लिखा बुक, जैसे मैंने लिखा चेयर, जैसे मैंने लिख दिया पेन, जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, यानी इनकी गणना हो सकती है। एक पुस्तक, दो पुस्तक संख्या, चेयर की संख्या हो सकती है, पेन की संख्या हो सकती है, कंप्यूटर की संख्या हो सकती है। जैसे बॉय, गर्ल, रूम, हाउस, ये जो जितने भी वर्ड हैं, चेयर मान लो, टेबल मान लो, इनकी हम गणना कर सकते हैं, और जिस नाउन को गणना की जा सकती है वो काउंटेबल नाउन होती है। जिस नाउन की गणना नहीं की जा सकती वो काउंटेबल नाउन नहीं होती, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे मैंने एक शब्द दिया फ्रीडम, जैसे एक शब्द दिया मैंने ब्रेवरी, एक शब्द दिया मैंने वोटर, इन नाउन की गणना नहीं हो सकती। यानी फ्रीडम का मतलब आजादी, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, और जो है वोटर उसका मतलब पानी। अगर एक और शब्द में लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूँ सोइल, मिट्टी, सोइल। इसके अलावा मैं और कोई शब्द आपको देना चाहूं तो कॉन्फिडेंस हो सकता है, कॉन्फिडेंस इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार जिन नाउन की गणना की जाएगी वो काउंटेबल है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल है। दूसरी बात, हम नाउन की पहचान कैसे करेंगे ये शब्द नाउन है या नहीं। तो मैं आपको बात बता दूं कि जिस एक मैंने इंग्लिश का शब्द लिया आपके सामने कैमल, नाम लेते ही उस ऑब्जेक्ट या उस नाम स्पेलिंग वाले वर्ड के हमारे दिमाग में कोई इमेज बनती हो, यानी तस्वीर बनती हो, तो वो काउंटेबल नाउन है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहादुरी, अब कोई हमारे दिमाग में इमेज नहीं बनी। जैसे मैंने कहा आत्मविश्वास, कोई इमेज नहीं बनी। लेकिन मैंने कहा पिजन, कबूतर, हमारे दिमाग में इमेज बनती है।
तो सरल सब इस तो शब्दों में जिस शब्द की बोलने से हिंदी की महिमा में कल शब्द बनती है, जैसे कैट, बिल्ली, एलिफेंट, हाथी, ताजमहल, इनकी तस्वीर बनती है तो वो काउंटेबल होती है, और जिसकी तस्वीर नहीं बनती वो अनकाउंटेबल होती है। इसमें एक चीज और बता दूं, एक तो मैं लिक्विड और एक सॉलिड, इमेज वाले में दो चीजों को शामिल नहीं कर रहा। लिक्विड का मतलब तरल पदार्थ होता है, सॉलिड का मतलब ठोस होता है। जैसे हमारे दिमाग में वाटर की तस्वीर तो बन रही है बट उसकी गणना नहीं की जा सकती, हमारे दिमाग में ऑयल तस्वीर तो बन रही है, ऑयल कैसा होता है बट उसकी गणना नहीं की जा सकती। सॉलिड जैसे मैंने लिखा था सॉइल, मिट्टी की तस्वीर तो बन रही है बट उसकी गणना नहीं की जा सकती। अगर आप इस क्लासिफिकेशन को रखें इमेज वाली कि हमारे दिमाग में तस्वीर बने, तो उसमें आप सॉलिड और लिक्विड को शामिल नहीं करेंगे, सॉलिड और लिक्विड की तस्वीर बनेगी फिर भी वो अनकंफर्टेबल नाउन होगी। इस क्लासिफिकेशन को अगर मैं आगे और बढ़ाना चाहूं तो मैं इसको और बढ़ा सकता हूं। देखिए नाउन का क्लासिफिकेशन थोड़ा मैं आगे और लेके चलता हूं। मैंने आपको बताया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो प्रकार के नाउन हो गई। इसका दूसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार लगता है, जैसे मैंने यहां पे नाम दे दिया काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और यहां पे दे दिया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हुआ जिसकी गणना की जा सकती है, उसका वचन भी होगा, एक वचन या बहुवचन होगी, काउंटेबल नाउन एक वचन या बहुवचन रूप में मिलेगी। अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा एक ही वचन होता है, एक ही जेंडर होता है, होता है एक वचन। अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन कभी होता नहीं, जैसे पानी, बहादुरी, जैसे आत्मविश्वास, इन शब्दों का कभी बहुवचन बनता नहीं है। अब मैं अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन में क्लासिफिकेशन आगे बढ़ाना चाहूं तो इसमें आ सकती है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अगर अनकाउंटेबल में जाऊं तो इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक पार्ट है मटेरियल नाउन और एक आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि प्रॉपर व्यक्तिवाचक, कॉमन जातिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, मटेरियल पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, यानी कि पांच प्रकार हो गए संज्ञा के, प्रॉपर सॉरी व्यक्तिवाचक, कॉमन जातिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, मटेरियल पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। अब हम अच्छी तरह समझिए कि नाउन होती क्या है। नाउन की एक तो डिवाइडेशन हो सकता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दूसरा ये हो सकता है ये तीन नाउन है वो काउंटेबल में आएंगी, यानी इनका या तो एक वचन रूप होगा या एक वचन बहुवचन दोनों रूपों में लेगी। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उसका हमेशा वचन एक ही होता है, वो वचन होता है सिंगुलर यानी एक वचन। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन लेंगे प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन क्या होती है। अगर हम प्रत्येक नाउन का बारी बारी से अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन है वो किस प्रकार बिहेव करती है, इसकी क्या रूल्स है, क्या स्पेसिफिक रूल है, क्या इसके जनरल रूल है। तो मैं प्रॉपर नाउन आपके सामने लिखा हूं, सबसे पहले अपने ले लिया प्रॉपर नाउन और इसका अर्थ हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन की अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो अपन प्रॉपर नाउन को इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, ए पार्टिकुलर डेफिनेशन देना चाहूं, ए पार्टिकुलर नेम of a person, thing, a particular name of a person, thing or place is called proper noun। इस शब्द के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, ये दो शब्द आते हैं इस प्रकार P-L-A-C-E, P-A-L-A-C-E, इसका उच्चारण पेल्स होता है, नॉट पैलेस, पैलेस, और इसका उच्चारण प्लेस होता है, इसका उच्चारण प्लेस होता है, अलग अलग वर्ड है, पैलेस और प्लेस दो वर्ड हो गए। अगर अपन मैं बात कर रहा था आपके सामने प्रॉपर नाउन की,
पार्टिकुलर नेम एक स्पेशल नाम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मैं लिखना चाहूं तो एग्जांपल के तौर पर मैं दे सकता हूं राम दिल्ली, राम हो गया दिल्ली चूरू, इस प्रकार चलता रहेगा। हम सबको पता है कि किसी जैसे मनुष्य है, मानव है, उसमें किसी को एक विशेष नाम दे दिया राम रहीम सोहन गीता मोहन, तो वो पार्टिकुलर नेम हो गया, वो प्रॉपर नाउन होती है। जैसे कोई स्थान है, जैसे शहर प्रॉपर नाउन नहीं है, शहर का नाम दे दिया चूरू जयपुर हनुमानगढ़ गंगानगर दिल्ली कोलकाता लंदन, तो ये मतलब स्पेशल नाम हो गया। या फिर किसी गांव का नाम दे दिया या किसी डाणी का नाम दे दिया, जैसे एक शब्द है डाणी, डाणी अपने आप में प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि डाणियां बहुत होती हैं। अब जैसे किसी को नाम दे दिया तेलियों की डाणी, तो वो स्पेशल बन गई ना, तो स्पेसिफिक नाम आती है वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो ये तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं प्रॉपर नाउन होती क्या है। मैं प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको स्पेसिफिक रूल्स बताना चाहता हूँ आज की, वो क्या क्या होते हैं, तो उन रूल्स पे आप गौर कीजिएगा जिससे हमारे आर्टिकल भी क्लियर होंगे और हमें बड़ी सुविधा होगी पढ़ने में जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे। तो अगर इसके मैं बताना चाहूं तो पहला इसका जो रूल है स्पेसिफिक रूल्स, यानी कि इस नाम को पढ़े तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला शब्द ये, पहला रूल इसका ये हुआ It always remains singular in number, यानी कि जो proper noun है always remains singular in number, singular का मतलब एक वचन, कि जो ये proper noun है ये हमेशा एक वचन रूप में ही आती है, इसका बहुवचन रूप कभी बनता नहीं है। प्रॉपर नाउन है उसका जो वचन होता है ना जेंडर, जिसको अपन बोलते हैं सॉरी नंबर, वचन, वचन दो होते हैं, एक तो होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। अगर मैं नंबर की बात करूं वचन की, तो जो प्रॉपर नाउन है उसका हमेशा एक ही वचन होता है एक वचन, सिंगुलर प्लुरल रूप कभी इसका होता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति राम है तो एकमात्र व्यक्ति राम ही रहेगा, अगर मैंने कहा दिल्ली तो उसका बहुवचन रूप नहीं हो सकता। तो पहली चीज ये है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहती है। इसका दूसरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट रूल है कि इसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, दूसरा मैं लेना चाहूं प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विथ ए कैपिटल लेटर, विथ ए कैपिटल लेटर, यानी कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, चाहे उसको सेंटेंस में आप कहीं भी लिखें। कैपिटल लेटर का मतलब पहले से लीजिए जो वर्ड होते हैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। अगर प्रॉपर नाउन को अगर अपन रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो इसका बड़ा महत्व होता है। जैसे कहीं भी आप प्रॉपर नाउन यूज में लेंगे, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिखा, शहर का नाम लिखा, गांव का नाम लिखा या कोई अन्य स्थान का नाम लिखा, तो उसका पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं राहुल एंड सोहन लिव इन दिल्ली, इस सेंटेंस को हम देखें ना तो सेंटेंस में काफी असुविधियां हैं जिसके नंबर काटे जाते हैं। इसमें आप पहले तो ये बताओ मुझे कि प्रॉपर नाउन है कौन कौन सी। एक तो प्रॉपर नाउन होगी इसमें राहुल, एक प्रॉपर नाउन होगी इसमें सोहन, और तीसरी प्रॉपर नाउन होगी दिल्ली। मैंने ये कहा है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर, जहां भी प्रॉपर नाउन को लिखवा पहला लेटर, जैसे राहुल सही है क्योंकि इसमें पहला लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, बट सोहन सही नहीं है क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पे स्मॉल एस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एस आना चाहिए था कैपिटल, यानी सोहन में एस क्या आएगा कैपिटल आएगा। अभी मैंने दिल्ली शब्द लिखा है, यहाँ पे डी मैंने सही अर्थ में सही नहीं लिखा, यहाँ पे डी क्या आना चाहिए था कैपिटल आना चाहिए था। तो ये इसका दूसरा रूल है कि इसको हमेशा कैपिटल लेटर के साथ में लिखा जाता है।
तो ये जो दो जनरल रूल थे इसके, इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि आप मुझे बताइए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए एन डी आते हैं या नहीं आते, यानी कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में दे आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। अगर आपसे मैं ये प्रश्न पुट अप करके छोड़ दूं कि आप मुझे बताइए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है या नहीं होता, तो ये इसका स्पेसिफिक तीसरा रूल होगा, और उस तीसरे रूल का अध्ययन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।